मोटा पापी मुझे जेल नहीं जाना है। हाँ मोटा पापी, जेल में जाके मुझे चक्की नहीं पीसनी। वहाँ पर तो ऐसे भी नहीं होता, बड़े बड़े मच्छर होते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। मोटा पापी, ये प्रॉब्लम में से बाहर निकलने का मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करो, आप अभी के अभी इसी समय प्लीज उनकी माफी मांग लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भाभी गुस्से में सारी हदें पार कर जाती और उसी की इस बेवकूफी की वजह से पूरे घर को तकलीफ हो, ये तो ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है मोटा भाई, आप दिल छोटा मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। संत भाई ठीक कह रहे हैं मोटा भाई, आपको जो कुछ भी कहना है अब बेझिझक कहिए। मैं जानता हूं कि हमें सबसे पहले घर की इज्जत और मर्यादा को बचाना होगा। कौन सही है और कौन गलत है इसका नतीजा तो हम सब मिलकर निकाल ही लेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, तो आपने क्या सोचा है इस बारे में? सीधा रास्ता है मोहन, क्योंकि ये महिला संगठन की सारी बातें चीनी ने शुरू की थी। मैं समझता हूँ कि तुम वृंदा से कहकर चीनी को समझाने की कोशिश करो। मुझे तो घर वालों की नादानी पे गुस्सा आता है। सारा फसाद सारा झगड़ा किया उस चीनी ने, बाहर वालों को इस घर में बुलाया चीनी ने, उसके पापा को पैसे का नाम देकर दहेज का ड्रामा खड़ा किया, मीनाक्षी का मसाला कूटते हुए फोटो खींचा उसने, सब कुछ उसने किया और गुनहगार में ये कहां का न्याय है? मोटा भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन गलती हमसे भी हुई है ना। कुछ भी बोलो मोटा भाभी, जाने अनजाने में ही सही हमारी बहुओं के साथ जुल्म जैसा व्यवहार तो हुआ है ना। चलो चलकर उनसे माफी मांग लेते हैं, ये मामला वहीं के वहीं रफा दफा कर। तुम दोनों मेरे साथ हो या आजकल की आई हुई छोकरियों के साथ? चीनी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना चाची, ऐसे क्यों पूछ रही हैं? कहीं तुम मेरी बात का गलत मतलब ना निकाल लो। कितनी रात गए चाची क्यों तुम्हारे कमरे में आई? कमान चाची, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन आप ये भी जानती हैं कि मैंने जो कुछ किया वो गलत नहीं है। गलत नहीं पर फिर भी गलत है। अब इसका क्या मतलब है चाची? तुम्हारा मोटा भाभी के बर्ताव के खिलाफ खड़ा होना सही, लेकिन महिला संगठन को मिनी की तस्वीर खींचकर दिखलाना गलत। तुम्हारा आयुष की तरफ से मोटा भाभी से पैसों के लिए निवेदन करना सही, उसका उल्टा मतलब निकालकर अपने पिताजी से दहेज के रूप में पैसे मंगवाना बिल्कुल गलत। देखो मैं जानती हूँ मोटा भाभी ने तुम दोनों के साथ जो कुछ भी किया उसका तुम्हें बहुत गुस्सा है, लेकिन उसका बदला लेने के लिए तुम इस परिवार की इज्जत को यूं सरेआम नहीं उछाल सकती। बरसों से बनाए गए सम्मान को यूं ठेस नहीं पहुंचा सकती। और मैं तुमसे क्या कहूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, इस परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में, इसे बचा लो। अगर किसी की भी वजह से हमारे घर की इज्जत को दाग भी लगा तो उसका इस घर में कोई भी स्थान नहीं रहेगा। मतलब ये पारुल, अगर तुम्हारी वजह से हमारे घर की बदनामी हुई तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। डिवोर्स? क्या? डिवोर्स?